जय श्रीमन्नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करें जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गहल बा। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि ही व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॐ। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे रहल बानी। भगवान श्री कृष्ण कहत बाड़न की अर्जुन रउआ जौन महसूस करे के चाही उबा अरे ना, हम बहुत समय बर्बाद कहले बानी। अब तक हम आपन बारे में ना जान पावनी और ना आपन पर ध्यान देले बानी। हम सिर्फ अस्थायी शारीरिक सुख से जूझत बानी। हम एकरा पर बहुत समय बर्बाद कहले बानी। रौरा यही अर्जुन के एहसास होके के चाही। रौरा कब ऐसन लागेला जब रौरा आपन मन ज्ञानम पर केंद्रित करे के आपन शरीर से अलग बानी। ई ज्ञान रौरा मन में कब स्थापित हुई जब रौरा आपन सागरी काम समता से करी आ कौनो खास परिणाम की आकांक्षा से बची। तब रौरा असली ज्ञान हुई जाई कि हम आपन शरीर से अलग बानी। एक बेर ऊ ज्ञान हुई गयल ता ओ सब काम खातिर जौन रौरा अस्थायी शारीरिक सुख पावे खातिर कहले बानी, एक बेर में रौरा वैराग्य शारीरिक कामना से विरक्त महसूस करी। रौरा ता लागी कि अरे ना, हम अपन असली रूप के बारे में पहले कभी ना सुने ले रहेंगे। अब तुरंत निराश आ परेशान हो जाई आ तुरंत ही अपन असली रूप के बारे में जाने में दिलचस्पी लिए आ कोशिश करत रहे। उनका बारे में और जानी शाश्वत सुख की इच्छा रौरा में विकसित हुई और अस्थायी भोग में त्याग हुई जाई। भगवान श्री कृष्ण हमनी सब के जीवन के लक्ष्य बहुत साफ और सुंदर ढंग से उपलब्ध करा रहल बानी। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65-70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उई करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन्नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन्नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले,
कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गएलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करे का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॐ। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॐ। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिलके नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।